दोस्तों, अभी तक अगर आपने पुश बाइनरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब और अलर्ट पर क्लिक कर पुश बाइनरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ आप कैसे 15,000 रुपये में 5 दिन इंडिया से थाईलैंड घूम के आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये संभव है। मैं खुद गया हूँ और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी फोटोग्राफ्स भी शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरी फोटोग्राफ्स कैसे मैं अलग अलग जगह गया। 5 दिन में सिर्फ 15,000 रुपये में सिंगल ट्रैवल करके आया हूँ और ये सब संभव है बिना किसी एजेंट की मदद के, बिना किसी ट्रैवल पैकेज की मदद से। आप खुद अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बता सकता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और कैसे आप जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अलग अलग जगह गया और ये मेरी खुद की फ़ोटोग्राफ्स हैं, मेरी खींची हुई फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैं थाईलैंड टूर से लेके आया। दोस्तों किसी भी देश में आपको ट्रैवल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वीज़ा, एयर टिकट और होटल बुकिंग। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ थाईलैंड के केस में ये तीनों चीज़ आप कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आपको वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा, लेकिन वीज़ा तब मिलेगा जब आपके पास एक वैलिड टिकट होगा और आपके पास होटल की बुकिंग होगी। तो थाईलैंड जाने का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा के लिए आपको क्या चाहिए, वीज़ा के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपका एयर टिकट, आपके होटल की टिकट और आपका बैंक स्टेटमेंट, यानी कि 1 साल तक का, 3 महीने से 1 साल तक का ये बैंक स्टेटमेंट और फोटोग्राफ, ये लेके आपको थाईलैंड का जो एम्बेसी है, वीज़ा काउंसिल है, वहाँ पर जाना है। अब कहाँ कहाँ पे ये थाईलैंड का है, देखो न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में, तो दिल्ली के भी कई सारे सेंटर हैं। अगर दिल्ली के उस अगर हम देखें यहाँ पे दिल्ली में गुड़गांव में है, चंडीगढ़ में है, और आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं पे भी ये सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है अभी, मैं अलग से इन डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर दूंगा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे। और आपको एक फॉर्म होता है जो टूरिस्ट फॉर्म होता है, आप किस कैटेगरी, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा में हैं तो आप टूरिस्ट, तो यहाँ पर जाएंगे आप तो टूरिस्ट वीज़ा का, जो कि एम्बेसी जब भी जाएंगे तो वो लोग आपको बता देंगे। तो टूरिस्ट वीज़ा की एक अलग कैटेगरी थी, वो फॉर्म आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसको भरेंगे और भरने में भी जो एम्बेसी के लोग हैं वो आपकी मदद करें। तो बहुत आसान पूरी प्रोसेस है। और अभी जो नया ऑफर आया है, अगर आप अगस्त से पहले अप्लाई करते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया वीज़ा, एक बार आपका वीज़ा बन गया तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ जो ऑफर्स हैं, प्रमोशनल ऑफर्स हैं, वो कहाँ से लेने हैं, कैसे करने हैं। देखिए दोस्तों, ये है airasia.com, एयर एशिया की साइट। एयर एशिया सबसे सस्ता टिकट देती है थाईलैंड घूमने के लिए, लेकिन इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जॉइंट्स हैं, वहीं से आपको मिलेगा। दिल्ली से थाईलैंड आपको महंगा टिकट मिलेगा, जबकि कोलकाता और कोच्चि से आप लेंगे तो आपको सस्ता टिकट मिलेगा। आप मेरी टिकट देख सकते हैं, मैंने भी एयर एशिया से टिकट बुक करी है तो मुझे भी सिर्फ 10,500 रुपये की टिकट पड़ी है। ये मैंने कुछ और एडवांस लिए थे तब महंगी पड़ी, आप लेंगे और भी सस्ती टिकट पड़ जाएगी। आप मेरी टिकट में देख सकते हैं कोलकाता से बैंकॉक और बैंकॉक से कोलकाता की टिकट। यानी दोस्तों airasia.com ये जो URL है, इस URL पे जाना है आपको, मैं इस URL भी आपको शेयर कर दूंगा, airasia.com/in, इन प्रमोशंस पर आपको जाना है। तो यहाँ अगर आप अपना सोर्स स्टेशन कलकत्ता और बैंकॉक टाइप करते हैं और सर्च रिजल्ट्स करते हैं तो बैंकॉक टू कोलकाता टू बैंकॉक की जो टिकट है उसकी जो प्राइस आती है 3,999, यानी कि ये एक तरफ की। अगर आप दोनों तरफ की टिकट करते हैं तो ये लगभग लगभग आपको 7,500 में मिल जाती है। यानी दोस्तों क्या आप मान सकते हैं, 7,500 में एयर टिकट बेंगलोर से कलकत्ता से बैंकॉक आना जाना, जो कि दिल्ली से कोलकाता राजधानी के आने जाने के टिकट के लगभग लगभग बराबर है। दिल्ली से कोलकाता भी आपका इतना लगता है, अगर आप राजधानी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में लेते हैं तो आपका टिकट लगता है।
तो ये हो गया आपका टिकट। तो आप यहाँ से ये टिकट बुक करा लेंगे। इस साइट पर आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद जो आपकी डेट है, डिटेल्स हैं, आपको वो सब डालनी है। और ये जो ऑफर है 5 सितंबर से लेके 8 फरवरी 2018 तक अवेलेबल है। यानी दोस्तों, अगर आप कोई भी टिकट 5 या 6 महीने की पहले एडवांस बुक करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलता है। अगर आप कभी सिंगल हैं या एक ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी आप 5 6 महीने प्लान कर लीजिए, आपको लगभग लगभग आधी दर पे आपको टिकट मिल जाएगी। तो ये था टिकट। अब आपकी टिकट होगी, अब मान लीजिए दोस्तों ये 7,500 पर आपकी टिकट है, यानी कोलकाता से बैंकॉक की टिकट है जो कि फुकेट होते हुए जाएगी। तो आपको कोलकाता कैसे पहुंचना? आप कोलकाता पहुंचने के, मान लीजिए आप उदयपुर राजस्थान से कोलकाता जाना चाहते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं। आप अगर सिर्फ यंग लड़के लोग जा रहे हैं तो आप ग्रुप में जा सकते हैं। तो आपका लगभग लगभग 2,000 रुपया उसका खर्चा आएगा। तो आप ये मानिए 2 से 2,500, तो आना जाना आपका कलकत्ता तक आना जाना आपका 4,000 या 3,000 या 4,000। अगर आप जनरल स्लीपर में जाते हैं तो और कम टिकट आपका लगेगा। तो डिपेंड करता है आप किस पे जाते हैं। तो अगर ये मानिए तो 3,000 रुपये में अगर आप चंडीगढ़ से कोलकाता जाते हैं या दिल्ली से कोलकाता जाते हैं तो आपका 3,000 रुपये में वो हो गया। यानी ये 7,500 और 3,000, लगभग लगभग 11,000 रुपये में आपका सारा आना जाना, पूरी जो बैंकॉक की टिकट होगी वो हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद जो तो सबसे बड़ा आता है होटल्स। होटल्स क्या, वहाँ पे होटल्स का खर्चा क्या है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे आपको 400 रुपये तक में बहुत अच्छे अच्छे होटल, क्योंकि आप सिंगल जा रहे हैं तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सस्ते होटल ढूंढिए। क्योंकि दिन भर आपको घूमना होता है, जाना होता है, होटल पे सिर्फ सोना होता है। अगर आप महंगे 3 स्टार 5 स्टार होटल पे जाएंगे तो आपका ज़्यादा पैसा होटल पे लग जाएगा और घूमने फिरने पे कम रहा। ये देखिए दोस्तों, ये एक वेबसाइट है agoda.com, यहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने फुकेट की होटल सर्च की है तो फुकेट की होटल की आप देख सकते हैं 450 रुपये 500 रुपये पर डे में, कितनी अच्छी अच्छी 300 रुपये में जहाँ पर लॉज आपको सब मिल रहा है, ये सब होटल्स। तो वहाँ पर जो होटल्स की प्राइस है, हॉस्टल भी हैं यानी कि 500 रुपये में आपको मिलेंगे, जो होटल की प्राइस है इंडिया से बहुत कम है। तो इनका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर दोस्तों माने कि आपको, क्योंकि मेरा भी इतना ही लगा, तो 500 रुपये अगर आपका पर डे लगता है तो आप 5 दिन का सिर्फ 2,500 रुपये आपका होटल पे खर्चा आएगा। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो ये और भी कम हो जाएगा। यानी दो लोग एक, क्योंकि यूजुअली एक एक होटल के एक कमरे में 2 लोग सो सकते हैं, तो आप 4 लोग जाते हैं तो सिर्फ 2 कमरों से आपका हो जाएगा, तो आपका खर्चा आएगा। तो अगर आप एवरेज 400 रुपये या 500 रुपये एक दिन देते हैं तो 5 दिन अगर आप रुकते हैं तो 2,500 रुपये आपका होटल का खर्चा आएगा। यानी 10,000 और 2,500, तो आपके पैसे लगे अभी तक 12,500। उसके अलावा दोस्तों, जो थाईलैंड में दो जगह काफ़ी फेमस हैं जहां आप जा सकते हैं, ज़्यादातर इंडियंस जाते हैं, एक तो बैंकॉक हो गया, बैंकॉक में काफ़ी सारी जगह हैं, और फुकेट। आप 2 दिन फुकेट 2 दिन बैंकॉक कर सकते हैं। यानी फुकेट से बैंकॉक जाने के लिए भी आप एयर टिकट कर सकते हैं और उसका किराया भी बहुत कम है, सिर्फ 1,000 रुपये में आप फुकेट बैंकॉक जा सकते हैं। तो यानी कि 2,000 रुपये की आपकी ये टिकट हो गई, तो 14-15 हज़ार रुपये में आप पूरा आना जाना कर सकते हैं। खाना काफ़ी सस्ता है, खाना आप आपकी मर्जी के हिसाब से जैसा खाना चाहें वैसा ले सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर जा रहे हैं वहाँ पर, कुछ डूज एंड डोंट्स, आप शॉपिंग कम से कम करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा वहाँ शॉपिंग करेंगे आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। और आप खुद से ट्रैवल करें, आप किसी गाइड को ना लें और किसी एजेंट को ना लें, आप पूछ सकते हैं, इंटरनेट पर सारी सुविधाएं हैं, सब चीज़ें हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किन किन बीचेज पर, ये सब चीज़ें आप पहले से लेके जा सकते हैं। मैंने ये सब किया और मैं लगभग लगभग मैं 10 दिन रुका और 10 दिन में लगभग लगभग मेरा सिर्फ 15,000 से लेके 18,000 तक मेरा खर्चा आया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कैसे जाना है आपको, वीज़ा में, होटल में, किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो मैं एक एक करके आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करूंगा। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।